जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं धर्मेंद्र रघुवंशी पुनः एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अतिथि शिक्षकों को लेकर। जी हां साथियों, अतिथि शिक्षकों को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आया है और ये अतिथि शिक्षकों के लिए एक सकारात्मक अपडेट है। स्कूल शिक्षा मंत्री माननीय श्री उदय प्रताप सिंह जी ने अतिथि शिक्षकों को लेकर बड़ा बयान दिया है, जो कहीं ना कहीं अतिथि शिक्षकों को काफी ज्यादा खुश करने वाला है। जी हां साथियों, एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा है कि अतिथि शिक्षक बिल्कुल भी चिंता करें, सरकार उनकी चिंता कर रही है और जल्द ही अतिथि शिक्षकों को लेकर सरकार बड़ा निर्णय लेने जा रही है। और ये स्पष्ट तौर पर खुले मन से स्कूल शिक्षा मंत्री ने अतिथि शिक्षकों को लेकर कहा है। साथियों, लगातार अतिथि शिक्षकों से संबंधित अपडेट निकलकर सामने आ रहे हैं, उसी कड़ी में ये महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आया है। उन्होंने कहा है, आप पूरी तन्मयता के साथ, कर्तव्य परायणता के साथ, ईमानदारी से आप अपना काम करें और जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, वो आपकी चिंता कर रहे हैं। आपके जो भी विभिन्न कोर्ट केसेस चल रहे हैं उनको भी देखा जा रहा है, साथ ही साथ आपके लिए एक बेहतर नीति बनाई जाएगी और आपके नियमितीकरण को लेकर जल्द ही राज्य सरकार निर्णय लेने वाली है। उन्होंने अपने वक्तव्य में स्पष्ट कहा है कि अतिथि शिक्षकों को किसी भी प्रकार से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, आपके हित में बहुत अच्छे निर्णय राज्य सरकार जल्द ही लेने जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं अतिथि शिक्षकों के लिए काफी बड़ा अपडेट है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है स्कूल शिक्षा मंत्री माननीय श्री उदय प्रताप सिंह जी ने। शिक्षकों के भविष्य का फैसला सरकार करेगी, बहुत अच्छा करेगी। आप लोग भविष्य में एक अच्छे व्यवस्थित तरीके से प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग में काम करें, हमारी चिंता का विषय है। हम लोग लगातार उस पर काम कर रहे हैं। तो देखा आपने, इस तरीके से अतिथि शिक्षकों को लेकर ये महत्वपूर्ण बयान स्कूल शिक्षा मंत्री जी ने दिया है और ये अतिथि शिक्षकों के लिए काफी ज्यादा खास है। साथियों, वर्तमान में यदि हम देखें तो पोर्टल पर अतिथि शिक्षकों की जानकारी अपडेट करने का कार्य चल रहा है। हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने इंटरव्यू के दौरान भी कहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद अतिथि शिक्षकों के लिए राज्य सरकार कोई बड़ा निर्णय लेने जा रही है, जो मंत्रीगण होंगे वो बैठकर चर्चा करेंगे, उसके बाद में इस पर एक ठोस पॉलिसी बनेगी। तो कहीं ना कहीं अतिथि शिक्षक जो लगातार इस असमंजस में है कि आखिरकार उनका कुछ होगा या नहीं होगा, तो साथ ही हम यहाँ पर आपको आश्वस्त कर देना चाहते हैं, वर्तमान जो शैक्षिक सत्र है वह समाप्ति की ओर है और नवीन शैक्षिक सत्र से अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जब चालू होगी तो निश्चित तौर पर इसमें आपको नवीन दिशा निर्देश देखने को मिलेंगे। हो सकता है उससे पहले ही आपको कुछ महत्वपूर्ण आदेश अतिथि शिक्षकों को लेकर देखने को मिले। तो साथियों, अतिथि शिक्षकों को किसी भी प्रकार से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, आप अफवाहों से बिल्कुल दूर रहें, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से आप दूर रहें। पोर्टल पर आप अपनी जानकारी फीड करवा दें, किसी भी प्रकार की समस्या यदि आपको आ रही है तो आप अपने अधीनस्थ संकुल प्राचार्य DEO कार्यालय में जाकर संपर्क करके बड़ी सावधानी पूर्वक अपनी जानकारी दर्ज करवाएं। जैसे ही अन्य अपडेट अतिथि शिक्षकों को लेकर हमारे पास आएंगे तो निश्चित तौर पर हम वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। साथ ही हम लगातार अतिथि शिक्षकों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हमारे चैनल पर साझा करते हैं। जानकारी आपको पसंद आती है तो अपने अन्य साथियों तक आप इसे शेयर जरूर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर जुड़ें और इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि अतिथि शिक्षकों को लेकर था। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।